मेरे लिए तो वही ठीक है कि मेरे जागने से पहले हायरे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं हूं। कपड़े पहना रही थी और ये सॉक्स ही पहनाया था और ये टोपी से मिली और टोपी पकड़ के चल दी बाहर को। मगो हेलो बोल दे। हेलो हेलो हेलो, नाउ माय बेबी इज रेडी टू रॉक ऑन माय हेड। मेरे सर में नाचने के लिए रेडी है ये अभी। देखिए अभी भी इसके आंसू की अश्रुधारा है, देखिए इसके अश्रुधारा है। चलिए गाइस, मैं तो पहाड़ी पुष्पा बनी हुई हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? कल तक मम्मा वीडियो नहीं बना रही थी, आज ही बना रही है। ये बोल रही है, किसी को समझ में आया होगा किसी को नहीं आया होगा, ये बोल रही है दोस्तों कल मेरी वाइट ड्रेस थी, आज मेरी स्पोर्ट्स ड्रेस थी स्कूल में, आपने वीडियो देखा बोल रही है। मैंने वीडियो बनाई नहीं, देखेंगे कहाँ से लोग। अब वहाँ पे मुझे बात करने देना आप, ठीक है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में अनु अनु जोशी के साथ। और आप बहुत टाइम से, मैं मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था एक्चुअली ब्लॉगिंग करने का। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे अभी होलियों से भी वीडियो पड़े हैं बहुत अच्छे अच्छे लेकिन मैं मुझे उन्हें एडिट करने का टाइम नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा आज उन्हें रहने देते हैं और आज एक नया ब्लॉग बनाते हैं और आपको अपडेट करते हैं कि क्या चल रहा है। एक्चुअली जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, मेरे लिए निराशाजनक है। एक्चुअली गाइज, मेरे पैर में ना मोच आ गई है और आज तो 4-5 दिन हो गए हैं, थोड़ा सूजन भी कम है वरना बहुत सूज के बड़ा हुआ था ये और बहुत दर्द था, कुछ ज़्यादा ही आ गई थी मोच। और इसमें मैं ना अपने होममेड दवाई लगा रही हूँ अपने दादी की बताई हुई। एक्चुअली जो मतलब पहले जिसके अगर हड्डी में थोड़ी सी भी इंजरी होती थी ना हाथ पैर में, तो आमा ये दवाई बना के लगाती थी मेरी दादी, तो वही मैंने बनाई है। इसमें डोला है, डोला एक जड़ी बूटी है और बिच्छू घास है और हल्दी है घर की और नमक है और ऊपर से थोड़ा सा चूना है, बस ये सब मिला के मैंने दवाई बना रखी है। इससे होता क्या है ना, वो अंदर की चोट को हील करता है और जल्दी से रिकवर करता है और ये बहुत 3-4 दिन बाद में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये मैंने बचपन से देखा हुआ है। गाइज, बड़े बुजुर्गों की ना बातें हमने माननी चाहिए, वो हमें हमेशा काम आती है ज़िंदगी में, उनके सलाह बातें यादें सब कुछ काम आती हैं। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं मेरे पैर के, अभी बताती हूँ आगे। अच्छा, और मम्मी के पैर में दर्द किया है, कैसे हुआ? महाजन प्रैक्टिस करी थी तभी। मम्मा प्रैक्टिस कर रही थी? हाँ। अच्छा, मम्मा प्रैक्टिस कर रही थी इसकी और उसके पैर में मोच आ गई और मम्मा के पैर में बहुत दर्द है, मम्मा का चल भी नहीं सकती अच्छे से। मम्मा बन गई पुष्पा राज। अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था, मेरे पैर की हालत ये कैसे हुई। मैं मुझे मतलब कि घर के डेली के काम मैनेज करने में मुश्किल हो रहे हैं, इतना दर्द है पैर में। और ये सब इसलिए हुआ कि जैसे कि आप थंबनेल लेके समझ ही चुके होंगे कि पुलिस ने मुझे पुष्पराज बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो 1500-1600 पदों के लिए जो अभी मारामारी, मतलब हर उत्तराखंड का हर युवा अभी यही कर रहा है, जिसमें एक मैं भी हूँ। हर युवा उत्तराखंड का जो इसे इस ग्रुप में आता है तो वो इसी के प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तो वही मेरा भी हाल है। लेकिन मैंने अपना इस चक्कर में मैंने अपना 2 बार पैरों कर दिया है। एक बार मेरा ये वाला लेफ्ट एक बार मेरा लेफ्ट पैर मेरे घुटने में मतलब खतरनाक दर्द हो गया था। मतलब कहते हैं ना कि मतलब मेरे लिए तो वही ठीक है कि मेरे जागने से पहले हायरे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, मेरी देर हो जाती है। ऐसा ही कुछ होता है हर बार मेरे साथ, और अभी नहीं बल्कि बचपन से ही होते आ रहा है, जब से मैं छोटी थी तब से ही होते आ रहा है कि जब भी मैं किसी चीज़ में मैं के बारे में मैं किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन दिखाती हूँ, मेहनत करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे वो बीच में ब्रेक करना पड़ता है।
तो मैं सोच रही थी अपडेट नहीं करूंगी, आप लोगों को नई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अब मैं बना रही हूँ क्योंकि मन कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है अब तो होना जाना तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो वीडियो बना लेते हैं और आपको दोस्त लोगों को अपडेट कर देते हैं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं अपना पैर पकड़ के बैठी हुई हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने अपना पैर मोड़ लिया है। एक्चुअली जो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही थी, जब से फॉर्म आ रखा है, जब से फॉर्म फिल कर रखा है ना, वैसे तो मैंने फॉर्म फिल करने भी नहीं वाली थी, मैंने लास्ट में फॉर्म फिल किया जब उसकी डेट बढ़ी ना 3 तारीख के बाद, 3 फरवरी के बाद शायद, हाँ जब उसकी डेट बढ़ी तो फिर मैंने उसका फॉर्म फिल करा। मैंने कहा चलो डेट बढ़ गई है तो अब फिल कर लेते हैं, तो किया। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की, जबकि लोगों की तैयारी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, कम से कम 1-1.5 महीने पहले से। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करनी शुरू की, तो लेकिन स्टार्टिंग में 2-4 दिन मैं फील्ड में गई होगी, और तो अपना बस स्टेमिना बिल्ड कर ही रही थी कि पहले मेरे घुटने में इतना सीवर पेन हो गया कि हॉस्पिटल दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ वाइया के बाद मेरा बड़ी मुश्किल से घुटना ठीक हुआ। मतलब कि ये कि मैं उठने बैठने में भी असमर्थ थी, इतना मेरा पैर दर्द हो गया था दोनों घुटनों में। तो अभी मेरा थोड़ा सा घुटना ठीक है, तो फिर इसके बाद अब घुटना तो ठीक हो गया है, थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन मतलब जिस दिन मैं ज़्यादा करती हूँ तो उस दिन हो जाता है। और फिर से मतलब थोड़ा सा अभी आदत में ढाल रही थी चीज़ों को, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारा मतलब कम से कम 5-6 साल से ऐसा फील्ड में दौड़ना भागना ये सब चीज़ें नहीं की हैं, तो थोड़ा सा स्टार्ट करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो मतलब इसके बाद मेरी 10-15 दिन की तैयारी ऐसे चली, और 10-15 दिन के बाद कि मेरा मतलब चीज़ें प्रॉपर होने को थी कि मेरा ये पैर मुड़ गया। अब देखिए मैं इसमें अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ कि मतलब कैसे ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये पैर मुझे अब फिर से लॉन्ग जंप करने देने वाला है, क्योंकि अगर एक बार ये पैर मुड़ जाए ना तो फिर डर लगती है। अंदर ना बच्चे लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर एकांत में सीढ़ियों में। तो हाँ, तो ये मेरा पैर है जिसमें मैंने दवाई बांध रखी है इसमें, और अभी तो मैंने दवाई बांध रखी है जो घर की दवाई अपनी दादी की बताई हुई, और रात को मैं उसमें बर्फ़ से भी सेक कर रही हूँ, और सुबह मैं गर्म पानी हल्दी नमक से सेक कर रही हूँ, और इसके अलावा रात को अभी गर्म पट्टी वगैरह लगा रही हूँ, और उसके अलावा दवाई भी खा रही हूँ। मतलब सब चीज़ कर रही हूँ अपने हिसाब से कि जिससे ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ठीक होने वाला है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि फिजिकल भी दे पाऊँगी मैं। वैसे तो अभी फिजिकल की, जैसे कि आपको पता ही होगा कि फिजिकल की डेट अभी पीछे जा चुकी है, जैसे मेरे पैर में लगी ना उसके दूसरे दिन फिजिकल की डेट पीछे चलेगी, शायद कोई एज का इश्यू हो रहा है, एज बढ़ाओ करके लोग कह रहे हैं। तो अगर एज बढ़ेगी, वैसे भी 2.5 लाख लोग तो वैसे ही कंपटीशन में है, एक सर्वे के हिसाब से ये है कि 150 लोगों में एक का सिलेक्शन होगा, और 150 लोगों में हम तो है नहीं कहीं भी, ये पता ही हुआ मुझे। बस मैं इसलिए लगी हूँ कि थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज हो जाता है, ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, ये होता है कि हम एक ही धारा प्रवाह में बहते रहते हैं, तो थोड़ा सा मन चेंज, और थोड़ा सा इस बहाने हम फील्ड में जाएंगे, थोड़ा किसी चीज़ में अपना फिर एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। तो इसी मोटो से मैंने फॉर्म भर रखा है, और फॉर्म भी फ्री था ना इसलिए भी भर दिया मैंने, अगर पैसे लगते तो फिर भी शायद नहीं भरती। जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में किसी भी जॉब के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, नंबर 1 जी जान से मेहनत, नंबर 2 इतना सारा पैसा, मोटी मोटी रकम, कि दूसरे रास्ते से तो हमारा कोई लिंक नहीं है। कोई जॉब के लिए क्यों पैसा देना चाहेगा, जॉब करनी है मतलब, और जो जॉब बेच रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, तो उनके घर की, उनकी जागीर थोड़ी ना है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो जॉब बेचते हैं, जो हैं जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। इससे ना जो गरीब परिवार होते हैं, गरीब लोगों को, जो योग्य होते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है वाकई में उस जॉब की, और जो उस एलिजिबल होते हैं, उस लायक होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात, उनके पास साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी जहाँ तक मेहनत की बात है, तो 150 में 1 का कंपटीशन है, तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे से अच्छे अच्छे मतलब फील्ड में ही हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छा कूद लेती हैं, बहुत अच्छा कूद लेती हैं, मतलब हर चीज़ में, फिजिकली हर चीज़ में एक्सलेंट है वो। तो उन उन लोगों के लिए, जैसे उन जैसे लोगों के लिए ये जॉब है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बस मैंने तो फॉर्म भर रखा है कि चलो देखते हैं, बस फॉर्म भर रखा है कि सबकी होती है इच्छा,
कि करें, बस मैं देखिए कब तक ठीक होता है। और अब पता नहीं फिजिकल कब होता है इसका, अगर फिजिकल जल्दी होता है तो मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं फिजिकल में भी फिजिकल दे पाऊंगी। और अगर नहीं, अगर देर में होगा तब तक पैर ठीक हो जाता है तो फिर फिजिकल तो दूंगी, लेकिन होना ना होना, खैर क्वालिफाई होना ना होना ये तो किस्मत की बात है। और आज तो फिर भी मेरा पैर ना थोड़ा सा राहत है, आज 4-5 दिन, संडे की सुबह मेरा पैर ऐसा हो गया था और आज 4-5 दिन हो चुके हैं। संडे, आज वेडनेसडे हो चुका है, संडे की सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मेरा पैर ऐसा हो गया था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसा चल रहा है तब से, दवाइयाँ मतलब ये चीज़ें होती रह रही है कुछ। वैष्णवी कहाँ घूम के आई? फील्ड में। क्या किया वहाँ? खेला था। गाड़ी भी चलाई? ये गाड़ी कौन लाई? इसमें कौन कौन से गाने आते हैं एक बार दिखा तो। चलो बेटा मैं इसको अंदर चलो। बंटू मोई कहाँ से आया? कहाँ से आया मो? कहाँ से आया? कहाँ से आया मो? मुँह देख, इसका भूख लग गई। बेटा भूख लगी है, अंदर आने का मन नहीं हो रहा। खिला तो रही थी, इसने खाया नहीं कुछ। चलिए गाइस अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।